iPhone 12 एंड iPhone 12 मिनी पे कुछ प्राइस ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं Flipkart के ऊपर, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, क्या आपको ये प्राइस में परचेज करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए और प्राइस ड्रॉप का एंड उसके बाद जाके आपको परचेज करना चाहिए। तो आइए इन्हीं सब पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं कि क्या ये प्राइस अल्टीमेट प्राइस ड्रॉप है कि इसके बाद भी और ज्यादा प्राइस ड्रॉप आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित, वेलकम बैक टू ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी, इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 12 मिनी के बारे में। तो फ्लिपकार्ट के बिग बचत धमाल में आईफोन 12 मिनी आपको मिल रहा है 40,999, 64GB iPhone 12 mini, और उसके साथ कुछ और ऑफर्स भी है, जैसे कि अगर आपके पास Flipkart Access Bank का क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर आपको कैशबैक भी मिल रहा है। तो ऑफर्स लगाने के बाद iPhone 12 mini का प्राइस और भी कम यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है तो एटलीस्ट 40,999 में तो आपको ये मिल ही जाता है। तो क्या आपको iPhone 12 mini ये प्राइस में परचेस करना चाहिए? तो अगर आप एक बजट पे हो, छोटी स्क्रीन साइज से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एज वेल एज छोटी बैटरी से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑफकोर्स आप आईफोन 12 मिनी परचेस कर सकते हो। लेकिन ऑफकोर्स इस बार आपको जो प्राइस मिल रहा है वो पिछले ऑफर जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको 36,000 से लेकर 37,000 के बीच में मिल रहा था। तो कहने का मतलब इस बार आपको 4,000 ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो अगर आपको जल्दी है कि आपको आईफोन परचेस करना ही है एंड यू डोंट माइंड कि 4,000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो उसके लिए, एज वेल एज आपको वेट भी नहीं करना है कि क्या पता वापस वो 36,000 37,000 का प्राइस वापस आए भी ना आए, तो अगर आपको वो रिस्क भी नहीं लेना है तो आपको आप परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है, आप वेट कर सकते हो, तो आपको वापस वो सेम ऑफर देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आपको 36,000 या 37,000 का ऑफर मिल जाता है वापस तो वो बेस्ट ऑफर रहेगा। तो वंस अगेन आईफोन 12 मिनी के लिए जो बेस्ट ऑफर है वो 36,000 से लेकर 37,000 के बीच में, लेकिन आज का जो 41,000 का भी ऑफर है वो इतना बुरा भी नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईफोन 12 की। तो आईफोन 12 आपको मिल रहा है 53,999 में, ऑलमोस्ट 54,000 हो गया। एंड अगर आपके पास Flipkart Access Bank क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर आपको एडिशनल कैशबैक भी मिल जाता है। तो बाकी के अवेलेबल ऑफर्स लगाने के बाद ये प्राइस और भी कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप 54,000 में तो आप जरूर खरीद सकते हो इसको। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको आईफोन 12 ये प्राइस में खरीदना चाहिए भी कि नहीं? तो देखो, आईफोन 12 एक बेस्ट आईफोन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एंड अगर आपको ये 50,000 के आसपास मिल रहा है तो ये बेस्ट ऑफर होगा, लेकिन आज के तारीख में आपको जो 54,000 में मिल रहा है वो भी एक बुरा डील नहीं है। तो अगर आप 4,000 एक्स्ट्रा दे के iPhone 12 आज के तारीख में परचेस करना चाहते हो तो वो एक बुरा डिसीजन नहीं होगा, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो तो आपको 50,000 के लिए वेट करना चाहिए, जिसकी एक पॉसिबिलिटी है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो नेट अगर आपको छोटी स्क्रीन से प्रॉब्लम नहीं है, छोटी बैटरी से प्रॉब्लम नहीं है, एंट्री लेवल आईफोन चाहिए तो आईफोन 12 मिनी के लिए चाहिए, एंड अगर आपका बजट थोड़ा सा बेटर है तो आईफोन 12 एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। तो इनमें से अगर आपको कोई भी फोन खरीदना है तो उनकी बाइंग लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करें। देखते रहिए ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।